प्रिंटर। लैपटॉप में लैप का मतलब होता है गोद और टॉप का मतलब होता है ऊपर। तो इसका मतलब वह कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रखकर उपयोग कर सके। लैपटॉप कंप्यूटर के सभी भाग कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर एक यूनिट में जुड़ा हुआ रहता है। लैपटॉप बैटरी युक्त होता है, इसको आप चार्ज करके बिना बिजली के घंटों उपयोग कर सकते हैं। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, इसलिए इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होती है। इसे हम अपने बैग में रखकर कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोट, डेस्कटॉप लैपटॉप से भी छोटा होता है। डेस्कटॉप में क्या होता है, उसको रखने के लिए जगह ज़्यादा जरूरत पड़ता है। जैसे आपके सामने है लैपटॉप, वहाँ पे नोटबुक है, वो नोटबुक से थोड़ा सा बड़ा होता है लैपटॉप। लैपटॉप को हम बैग में रख के कहीं भी लेके जा सकते हैं, नोटबुक को हम हाथ में भी रख के कहीं लेके जा सकते हैं। तीसरा हमारा अभी जो आएगा वो नोटबुक है, कहीं भी लेकर जा सकते हैं। नोटबुक कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर लैपटॉप के जैसा ही होता है, पर यह लैपटॉप से भी छोटा होता है। इसका आकार हमारी लिखने वाली कॉपी की तरह होता है, इसका भी आप लैपटॉप की तरह ही उपयोग करते हैं। स्मार्ट नोटबुक हमारे नोटबुक की तरह होता है, जो हम कॉपी होता है ना हमारा, उसकी तरह वो भी होता है, उपयोग करते हैं। स्मार्टफोन या पाम टॉप, स्मार्टफोन या पाम टॉप एक मोबाइल फोन के आकार का होता है। इसका उपयोग हम अपने हाथ में रखकर करते हैं। अगर आप इसे हिंदी में समझे तो पाम का मतलब होता है हथेली और टॉप का मतलब होता है ऊपर। इसका मतलब अपनी हथेली में रखकर उपयोग करने वाला कंप्यूटर। आइए अब चारों पर समझ में आ गया, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, चार। एक चीज जो सर ने बताया देखेंगे उसको, ठीक है। आप लोगों को कोई डाउट है? एक और छोटा सा पॉइंट और है, जिस तरह से आपने लैपटॉप के पोर्शंस को आपने अलग अलग करके ना आपने क्लैरिफाई किया है, बाकी तीन में किसी में नहीं। हर जगह पे कोई आएगा सर इसमें सीपीयू कहाँ है, इसमें कहाँ पे है, मार्क करके कर दिया उसमें वही दिखा देते, लैपटॉप का दिखा देते इजी में। उसमें सर एक वर्ड है यूनिट में, यूनिट में जुड़े हुए रहते हैं सभी एक जगह, थोड़ा जैसे स्क्रीन है, स्क्रीन बता सकते हैं ये चीज है, कुछ थोड़ा सा जैसे माउस और टचपैड है लैपटॉप के पास, उनको हमने आगे आइडेंटिफाई कर रखा है। जैसे लैपटॉप के अंदर नोटबुक के अंदर पावर बटन होता है, उसको हमने आगे आइडेंटिफाई कर बता दें कि ये हमने आगे एक्सप्लेन करेंगे इसके डिफरेंट पार्ट, वो चीज पर वहां एक्सप्लेन कर उनके क्लैरिफिकेशन के लिए। उपयोग करने वाला कंप्यूटर, आइए अब सीखें कि कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार से ऑन करते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर को ऑन करने का अलग तरीका होता है, लैपटॉप का और नोटबुक का एक जैसे होता है, पाम टॉप या स्मार्टफोन का भी एक ही जैसे होता है, उसमें भी पावर बटन करना तो एक ही चीज काम है पावर बटन, लेकिन डेस्कटॉप में अलग है। पहले आप उसके यूपीएस वूपीएस कनेक्ट करेंगे, उसके स्विच को ऑन करेंगे, बहुत सारे चीज़ हैं उसके अंदर, लेकिन लैपटॉप में ऐसा चीज़ नहीं है। आपको पावर बटन चार्ज है, पावर बटन क्लिक करेंगे ऑन हो जाएगा। रहा बात कि ये पावर बटन होता क्या है, क्वेश्चन है पावर बटन होता क्या है, तो उसको हम इसी आगे समझेंगे कैसे बताया गया पावर बटन क्या होता है। इस पिक्चर में सब चीज़ों को कनेक्टेड दिखाना चाहिए, अदरवाइज फिर वही चीज़ है कि कैसे ऑटोमेटिकली कैसे कनेक्ट हो रहा है, जैसे पावर बटन की बात कर रहे हैं आप, ये कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, वायर नहीं दिखा रहा, वायर कहां है इसकी, अच्छा वायर की कॉर्डलेस है सर, ये तो कैसे आप उसको कन्विंस करेंगे कि हमें इसलिए ऑन करना है, आपने कह दिया बटन से ऑन करना है, उसके दिमाग में कैसे आएगा कि सर वायरलेस पे तो आते हैं नहीं सर का क्वेश्चन, अभी लेवल लेवल आप वायर फर्स्ट क्लास लेवल है, अच्छा लेवल तो बहुत छोटा है, फर्स्ट क्लास लेवल फिक्स है आपको। दिए गए चित्र को देखें और बताएं आपके पास कौन सा कंप्यूटर है और उसे क्या कहते हैं।
जैसे ये तीनों में से कोई एक कंप्यूटर हो सकता है। देखिए जब क्लास में होंगे आप तो आपके क्लास में डेस्कटॉप भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, नोटबुक भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि डोनेट कर रहे हैं, कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, हम उनको तो मना नहीं करेंगे ना कि हमें डेस्कटॉप ही चाहिए। जी तो तीनों चीज में से कोई एक चीज हो सकता है। आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप अथवा नोटबुक कंप्यूटर में से कोई एक कंप्यूटर होगा। आइए अब सीखते हैं लैपटॉप अथवा नोटबुक को ओपन करने का सही तरीका क्या होता है। यहाँ पे हमने लैपटॉप का दिया हुआ है कि लैपटॉप को कैसे ऑन करते हैं। डेस्कटॉप का हमने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि उसमें जैसे बोर्ड कनेक्ट करना, ठीक है, उसके बाद यूपीएस के साथ कनेक्ट करना, उसके बाद उसके पावर बटन को प्रेस करना। डेस्कटॉप में हमने सिर्फ पावर बटन को दिखाया है कि पावर बटन को ऑन करना होता है, क्योंकि उस समय हमारे माइंड में ये था कि इतना तो सबको पता होगा कि बोर्ड में कनेक्ट करना था, क्योंकि टीवी आज के टाइम में हर किसी के पास होता है। तो एग्जांपल वहाँ पे आएगा बीच में ऑडियो कि जैसे आप टीवी के स्विच को ऑन करते हैं या प्लग को प्लग इन करते हैं, वैसे ही डेस्कटॉप कंप्यूटर में ये सारे कनेक्ट करने होते हैं और फिर उसके पावर बटन को प्रेस करना होता है, जो कि सामने चित्र में दिखाया जा रहा है। और वहाँ पे जो टीचर होंगे वो पहले से अपने लैब में कनेक्ट करके रखे होंगे। जो क्लास होता है, कंप्यूटर लैब होता है, उसमें तो सारे चीज़ कनेक्ट होते हैं ना। जैसे आप लोगों ने आया, आपको सब कुछ कनेक्ट मिला था, आपने सिर्फ यूपीएस का पावर बटन ऑन किया या हमने आपको बता दिया, तो वैसे ही लैब में सब कुछ ऑन होता है। अगर आपको बताना है बच्चों को कि ये चीज़ होता है, ये पावर ये होता है, तो आप बता सकते हैं। हम आपको भी बताएंगे कि कौन सा केबल क्या होता है, क्योंकि वो हार्डवेयर का पार्ट है। तो आगे हम उस चीज़ को बताएंगे। हम अभी आपको जीरो लेवल पे लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें ऐसे ही समझाना है आपको। हम आपको अगर हार्डवेयर से स्टार्ट कर देंगे, जैसे विंडो इंस्टॉल करना, सुबह थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था हमसे स्टार्टिंग में, क्योंकि देखिए क्लास में जो है सभी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, किसी को सब कुछ पता होता है, किसी को नहीं होता है। टीचर का काम क्या है, उसको सभी को जीरो लेवल लेके और एक्सप्लेन करना, तभी वो समझा पाएगा सभी को। अगर उसके मन में आएगा कि नहीं सभी जानते हैं, फिर वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। तो हमें सबको लेना है कि भाई सबको नहीं आता है, हमको सबको समझाना है। अब उसी में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो अपना दिखाते हैं कि हाँ मेरे को पता होता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है वो भी, है ना। तो उसी तरीके का है। आगे प्ले करो। यहाँ पे आपको लैपटॉप को दिखाया गया है कि लैपटॉप को ओपन कैसे करते हैं। एक बंद लैपटॉप है, उसको कैसे ऊपर उठाना है, उसके बाद उसको पावर बटन को कैसे प्रेस करना है, सब कुछ यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। लैपटॉप अथवा नोटबुक के दो हिस्से होते हैं। सबसे पहले आप सब अपने बाएं हाथ से नीचे वाले हिस्से को दबा के रखें। ये जैसे लैपटॉप बंद है, इसके नीचे वाले पार्ट को ऐसे दबा के रखना है और उसके बाद राइट वाले हैंड से ये ऊपर का हिस्सा मतलब उठाना है ऊपर की तरफ। उसके बाद ऊपर वाले हिस्से के बीच में अपना दाहिना हाथ रखकर ऊपर उठाएं और उसे दिखाए गए चित्र की तरह रखें। अगर आप सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने लैपटॉप को ओपन करना सिखाया, कैसे ओपन करते हैं, ना कि पावर ऑन करना सिखाया है। सिर्फ हमने सिखाया कि लैपटॉप को कैसे ओपन करते हैं। अगर आप डेस्कटॉप का उपयोग कर रहे हैं तो कुछ लैपटॉप में लॉक्स होते हैं। हाँ, जो आगे हम आपको बता दें यहाँ पे कि लॉक होते हैं, तो लॉक का ध्यान रखें। ऑन करने के लिए आप सीपीयू के पावर बटन को एक बार अपने हाथों से दबाएं, जिससे कि आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। यहाँ पे अगर जैसे सर बता रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मॉनिटर में ये पावर बटन होता है, यहाँ से केबल ये कनेक्ट होगा, तो ये हम कर लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग इस चीज़ को देख लेना, क्योंकि आपके लैब में सब कुछ कनेक्टेड होगा। जब स्टूडेंट आएंगे उनको कनेक्टेड मिलेगा, वो बैठेंगे, आप उनको पावर ऑन करना यहाँ से बता देंगे, तो कर लेंगे। एक चीज़ सजेशन है, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक बार बच्चों को ये अलग करके उसको एक बार दिखा दें कैसे कनेक्शन, कि कनेक्शन से हम स्टार्ट करें कि कैसे कनेक्ट होता है, मतलब एक पूरी एक छोटा सा डेमो हो जिसमें कनेक्शन कैसे होता है लैपटॉप का, उसको दिखा दें कि ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट होता है, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसे होता है। सर ये तो हो सकता है, बट हम राकेश सर से इस पर बात करेंगे। बच्चों के लिए
अननेसेसरी थिंग है, ये हम बच्चों को कनेक्शन दिखाएं कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, उनको ये पता कैसे लगेगा ये कनेक्टेड है, एक्चुअली पता नहीं लगेगा, या तो हम ये दिखा दें कनेक्टेड है सर। सर आपने जो भी स्कूल लैब्स देखे हैं ना, तो उनके स्कूल में उनको पहले से कनेक्ट मिलता है। हम यही तो बात तो वही है कि हम अब अपने दिमाग से सोच रहे हैं, अगर उनके दिमाग से सोचेगा कि मैं भाई शुरुआत कैसे हुई, अब उनको तो हमने वहाँ से दिखाया कि सब कनेक्टेड है, लेकिन शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत कहाँ से करी, कैसे होती शुरुआत, कैसे होनी चाहिए, उनको पेरिफेरल से भी बताना जरूरी है कि ये पेरिफेरल ये चीज इसका पर्पस ये है। प्रैक्टिकल लैब चलेगा जहाँ पे क्लासेस होंगी, वहाँ पे जो कंप्यूटर्स होंगे, बच्चे वो तो ऑब्जर्व करेंगे कि ये वॉइस कनेक्ट है, वो तो देखेंगे, उनसे पता चल जाएगा कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं जो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से सोच रहा हूं। नहीं सर, उनकी प्रॉब्लम है वो समझ कम है, प्रॉब्लम के सबके हिसाब से, क्योंकि आपके यहां ये बच्चों ये सब चीजें हैं ना, ये तो थोड़ा सा एडवांस है, आप थोड़ा सा ये एडवांस में भी चला जाएगा, देखो तो बहुत बेसिक भी चीज एडवांस में जाए, थोड़ा बेसिक भी चाहिए सर, कि जहां आप चाहिए वहां बेसिक भी चाहिए। चलो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ बाकी लोगों के लिए, अगर कहीं जरूरत है तो आप उसका एक डेमो अपना अलग से कर लें, बच्चों को अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है।